प्रिंसिपल जी, बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन देख रहे हैं कि $1600 की रेंज में ट्रेड करने के बाद अब सीधे $1744 तक निकल चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, विदेशों में तेल तिलन बाजार में तेजी आना, सोयाबीन की प्राइसेस तेज होना और सोयाबीन की जो वैश्विक सप्लाई और डिमांड है उसमें गैप होना, इसका असर अब सोयाबीन की प्राइसेस पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, सोयाबीन की प्राइसेस जो है वो अभी फिलहाल पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और कीमतों में एक उछाल जो है वो बना रह सकता है, क्योंकि विदेशी बाजारों में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी है। यहाँ पर भी देखा जाए तो प्रोडक्शन अभी अच्छा हुआ है, जो है वो इस बार किसानों का रुझान बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे पास शॉर्टेज है और डिमांड अच्छी खासी है। और अगर अभी जैसे सीजन शुरू हो जाएगा शादी ब्याह का, तो उसके बाद जो है एक और डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई देगी और आगे मुझे लगता है कि मई के अंदर और जून के अंदर एक अच्छी तेजी बनती हुई बाजारों में दिखाई दे सकती है, क्योंकि डिमांड निकल सकती है मार्केट के अंदर। और मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक के अंदर निचले स्तरों पर बाइंग में ही रहना चाहिए, आगे चलकर तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी,